दोस्तों आज मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। दोस्तों एसक्यूएल सर्वर क्या होता है इसके विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे डिटेल में। इंस्टॉल कैसे करते हैं इसको, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, इसके जो क्रेडेंशियल है उसको कैसे सेट करते हैं, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, और इवन अगर आपने कभी इंस्टॉल किया हो ट्रायल वर्जन दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन वर्जन, क्योंकि 180 डेज चलता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसको एज अ प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करें, लाइसेंस वर्जन कैसे करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में सीखने वाले हैं इस सीरीज में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरी देखेंगे और एक बेसिक नॉलेज से एडवांस तक, मतलब क्वेरी कैसे चलाते हैं, क्वेरी के थ्रू इसके प्रोसेस कैसे चेक कर सकते हैं, क्वेरी के थ्रू मतलब कौन कौन सी क्वेरीज इसमें हैवी लोड ले रही है, कितनी ज़्यादा रिसोर्स ले रही है, इसकी सीपीयू कैसे सेट करें, रैम कैसे सेट करें, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस सीरीज को पूरा देखें सो देट कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं रिलेटेड एसक्यूएल, आप लोगों की सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वन बाय वन इंस्टॉल कैसे करते हैं, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसके थ्रू कनेक्ट कैसे करेंगे, विंडो ऑथेंटिकेशन क्या होता है एसक्यूएल में, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैसे फटाफट करें। सीखते हैं। तो वो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने ISO फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है एसक्यूएल सर्वर 2019 का, ठीक है। तो सबसे पहले ये ISO फाइल को हमने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये एज अ वर्चुअल डीवीडी ड्राइव में कन्वर्ट होके ये कनेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से कुछ मैसेज आ जाएगा ऐसा फाइल, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, सेटअप पे क्लिक कर देना है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, हर एक पॉइंट को टच करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इसके थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले ये जो स्क्रीन खुल रही है इसके विषय में बता देता हूँ मैं। ये इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस टूल्स, ठीक है, ये एसक्यूएल के डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं कुछ, ठीक है। मेंटेनेंस में आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर करप्ट हो जाता है, एडिशन अपग्रेड कर सकते हैं, लॉन्च विंडो अपग्रेड सच प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। यह है रिपोर्टिंग के लिए, अगर एसक्यूएल सर्वर में आप रिपोर्टिंग चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल है, लॉन्च द डाउनलोड पेज द प्रोवाइड लिंक, इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एसक्यूएल सर्वर, यहाँ से कर सकते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो या बाहर से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं, न्यू इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे कि इवॉल्यूएशन वर्जन है, आप लोगों के पास अगर की है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इवॉल्यूएशन के पे हमारा वर्क कर रहा है सिस्टम, ठीक है, तो उसको हम अपग्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, यही देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट करते हैं हम, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ये कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा है, जो प्री रिक्विजिस्ट है वो सारी कुछ चेक करके आपको अगर कुछ कमी होगी तो इन्फॉर्म करेगा या हाईलाइट करेगा कि बराबर जो कुछ कमी है कंपैटिबिलिटी में, ओके।
तो ये देखिए ये फीचर्स है, ठीक है, ये हर किसी के लिए अलग अलग फीचर्स है। पाइथन के लिए पाइथन यूज करना चाहते हैं, जावा यूज करना चाहते हैं, एसक्यूएल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको सारा ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। करेक्ट, ये डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। डिफ़ॉल्ट अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो इस डायरेक्टरी में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको दूसरे किसी ड्राइव में चेंज करना है, लाइक डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे डिफ़ॉल्ट में ही रखना है तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन, ठीक है, देन क्लिक नेक्स्ट। ये सर दोस्तों, ये है एसक्यूएल का इंस्टेंस। बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल का इंस्टेंस बनता है एमएस एसक्यूएल सर्वर। अगर आप न्यू इंस्टेंस कोई चाहते हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं कोई न्यू इंस्टेंस बनाना, मान लीजिए अपने कंपनी का नाम देना चाहते हैं या व्हाटएवर जो भी चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी डिफॉल्ट में ही कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है। देन क्लिक नेक्स्ट। ये है इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, जहाँ पे पाथ मतलब जहाँ पे आपकी एसक्यूएल इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट, यूज दिस एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन पॉली बेस इनेबल इंस्टेंस। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको स्टैंड अलोन ही बना रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर लिया था। क्लिक नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल ओपन जेआरई करेगा, कोई नहीं, हमें नेक्स्ट करना है। अगर आपके पास जेआरई है ऑलरेडी तो आप लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बाय वो नेट से ही करे, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, देखिए एसक्यूएल की ये सर्विसेज है। आप इन सर्विसेज को मैनुअल रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, कि जब ये एसक्यूएल स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक रन हो जाए, या आप चाहते हैं तो अभी इसको हम डिफॉल्ट छोड़ देंगे, इसको हम बाद में मैनेज कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। इस सर्विस को एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज। तो मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ दोस्तों बड़े ध्यान से देखने वाली बात होती है कि विंडो ऑथेंटिकेशन मोड, मिक्स मोड, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड विंडो ऑथेंटिकेशन। हालांकि इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि ये जो हमारा सर्वर है मिक्स मोड में हो। इट मीन्स जो एसक्यूएल एसए जो होता है, एसए यूजर, बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल का यूजर होता है एसए होता है, मतलब एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, प्लस आपने जो जिस विंडो पे वर्क कर रहे हैं और जिस यूजर से करंटली वर्क कर रहे हैं वो भी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए आपका एसक्यूएल का, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए कह रहा है कि एसए अकाउंट है और उसका पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। हालांकि ये बाद में भी कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में कर देते हैं तो आगे के जो वर्क होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफाई एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि जो मेरा यूजर चल रहा है, जिससे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर से ही इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ऐड करंट यूजर, मीन्स जिस यूजर से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसी को ऐड कर दो। अगर आप चाहते हो इसको ऐड नहीं करना, दूसरे किसी को ऐड करना चाहते हैं जो भी आपने बनाया हो, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी यूजर्स को ले सकते हैं, जैसे एडमिन है, जितने भी यूजर होंगे वो दिखा देगा उस। अगर आप चाहते हैं एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर को एज एडमिन बनाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप उसको करंट पे कर दीजिए, जिस यूजर से आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसी यूजर को वो एज एडमिनिस्ट्रेटर बना दे। तो आपको क्या करना है, ऐड करंट यूजर, तो अभी देखिए ऐड कर देगा ये, ठीक है। मैं सुनील एस से इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, तो इसने क्या किया उसी को ऐड कर लिया। देन क्लिक, अब दूसरा भी चाहते हैं तो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, बट इसको हम बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देन क्लिक नेक्स्ट।
अभी हम देखिए सर्वर मोड, मल्टी डायमेंशनल डेटा माइनिंग मोड, किस मोड पे आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर मोड पे ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन ऐड करंट अकाउंट, करंट यूजर क्लिक कर देंगे इस पे। क्लिक नेक्स्ट। ये देखिए पोर्ट नंबर, स्पेसिफिक द पोर्ट नंबर दैट द मास्टर नोड यूज द कम्युनिकेशन विद द वर्कर नोड। ये पोर्ट है इसका 83 एंड 91, करेक्ट? तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे एसक्यूएल का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है 1433 होता है, ये है आपके उसके लिए जब आप ब्राउजर पे कनेक्ट करेंगे, करेक्ट? क्लिक नेक्स्ट, ऐड करंट यूजर। नेक्स्ट, कंट्रोलर नेम, ऐसा कुछ स्पेसिफिक, कंट्रोलर मशीन नेम एंड डायरेक्टरी लोकेशन, ऐसा कुछ करना नहीं है मुझे, ठीक है? वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। दोस्तों आपको ये जो चार फाइलें हैं इनको डाउनलोड करके एक किसी लोकेशन पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? सेटअप वॉज अनेबल टू कॉन्टेक्ट द डाउनलोड सर्वर। तो हमने क्या करना है, इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ वन बाय वन। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। मैंने सारी फाइल डाउनलोड कर ली है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, दिस वन डाउनलोड। ठीक है, ये चार फाइलें हमने डाउनलोड कर ली है, इसको हमने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद किसी फोल्डर में रख लेते हैं, ठीक है? SQL, चलो इसी के अंदर रख लेते हैं, ठीक है? ओके, सेव। तो मॉडिफाई डेट में पुरानी फाइल हम डिलीट कर लेते हैं, ये दोनों पुरानी फाइल हैं, ठीक है? इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट, ठीक है? एंड सेकेंड, सो एक्सट्रैक्ट हियर, सेकेंड एंड देन थर्ड एंड फोर्थ। ये सारी फाइलों को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम एसक्यूएल इंस्टॉलेशन पे चलेंगे, ठीक है? हमारी सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, तो उनको क्या करना है, ये पाथ दे रहा है जहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करी है, ठीक है? एसक्यूएल, ठीक है? एंड देन ओके। इसके बाद दोबारा देते हैं, ठीक है? ओके, हो गया, ठीक है? देन क्लिक नेक्स्ट।
अब ये यहाँ से फाइल उठाना चाहिए, नाउ यू कैन सी, ठीक है, लुक लाइक दिस, रेडी टू इंस्टॉल, देन क्लिक इंस्टॉल। दोस्तों यहाँ पे टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली एज पर कंप्यूटर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कि कितनी रैम है, कितने प्रोसेसर हैं, उसके हिसाब से टाइम लगाएगा। तो अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आफ्टर कंप्लीशन वी बैक अगेन। ओके दैट्स गुड, हमारा एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। नाउ यू कैन सी हियर इंस्टॉल सक्सेसफुल। उसके बाद हमने एक बार चेक कर लेना प्रॉपर, ठीक है, एंड देन क्लोज। दोस्तों इस तरह आपने देखा कि एसक्यूएल सर्वर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर को हम अपग्रेड कैसे करें, अपडेट कैसे करें, ठीक है, इवोल्यूशन वर्जन से स्टैंडर्ड वर्जन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसकी नेक्स्ट वीडियो कि हम उसको अपग्रेड कैसे करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस आईटी सुनील चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिंग आईटी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।